गूगल से जानकारी लेना जनता के लिए भारी पड़ने वाला है, क्योंकि मदद के नाम पर ठग आम आदमी और व्यापारियों को अपना निशाना बना रहे हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि साइबर ठग प्रतिदिन लोगों को अपना शिकार बनाकर लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। अधिकतर केसों में ठग मदद के बहाने आपसे खाते की डिटेल पूछ लेते हैं और फिर खाते से पूरी रकम निकाल लेते हैं। ऐसी वारदातों से आपको खुद ही बचना होगा, इसके लिए थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है। अगर आप खाते की डिटेल ना दे तो ठग आपको चूना नहीं लगा सकते। आपको बता दें कि पानीपत में ठगी के 3 मामले सामने आए हैं। ठगों ने इनको बातों में फंसाकर खाते की डिटेल पूछी और फिर खाता खाली कर दिया है। वही बैंक मैनेजर सतबीर सिंह ने कहा कि बैंक द्वारा किसी भी उपभोक्ता को खाते की जानकारी लेने के लिए कभी कोई फोन नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि वह हर उपभोक्ता को जानकारी देते हैं कि ऑनलाइन फोन आने पर किसी के साथ अपनी जानकारी साझा ना करें। उन्होंने कहा कि बैंक कस्टमर केयर से किए जाने वाले व आने वाले हर फोन की रिकॉर्डिंग की जाती है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के फोन ठगों द्वारा ही किए जाते हैं। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि किसी के साथ भी अपनी निजी जानकारी साझा ना करें तो ऑनलाइन ठगी से बचा जा सकता है। बैंक के साथ पानीपत पुलिस द्वारा भी लगातार ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए जनता को जागरूक किया जाता है। पानीपत पुलिस के DSP मुख्यालय सतीश वत्स ने भी जनता से अपील की है कि अपने बैंक खाते की जानकारी किसी के साथ साझा ना करें। विकास नगर में ऑनलाइन ठगी का मामला है, करीब 2.25 लाख रुपए निकाल दिए। हाँ देखिए, लोग हम बार बार अवेयर करते रहते हैं लेकिन फिर भी लोग ठगी में आ जाते हैं। और कई बार कोई अपना पासवर्ड बताते हैं, कोई लिंक भेजते हैं तो लिंक खोल देता है। इस तरीके से बहुत सारे साइबर क्राइम चले हुए हैं और लोग हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी, आपके माध्यम से भी पब्लिक को बताते रहते हैं लेकिन फिर भी लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो वो कंप्लेंट आई है, उस पर FIR करके और फर्दर उसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उनको जल्दी रिपोर्ट को ATM लेने वाले को ये बताते हैं कि अपना OTP शेयर ना करें, अपने खाते की कोई जानकारी किसी को ना बताएं। बैंक की तरफ से कभी भी कोई कॉल आपको इस संबंध में नहीं आती, आपकी जानकारी मांगने के लिए कभी नहीं आती। तो इन्होंने गलतफहमी में किसको क्या वो दिया, वो इनके पास यूज ये कर रहे थे, किसको OTP इन्होंने दिया, किसको अपने खाते की डिटेल दी। फिर हैकर हैं जो ये फ्रॉड वाले हैं, वो जैसे किसी ने किसी भरम में डाल के आदमी को वो चीज़ ले लेते हैं, उसे वो कुछ कर लेते हैं। सर, पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उन्होंने जो है कस्टमर केयर के जो है पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर केयर नंबर पे कॉल किया है, वहाँ से उनके साथ फ्रॉड हुआ है। कस्टमर केयर की हर चीज़ की रिकॉर्डिंग होती है, उसकी रिकॉर्डिंग निकलवाई जा सकती है, देख सकते हैं। कस्टमर केयर की तरफ से कभी भी नेवर, हर एक बैंक का कस्टमर केयर कभी कोई फ्रॉड नहीं होता। इनका लड़का यूज़ करता था, ये खुद यूज नहीं कर रहे उसको नेट बैंकिंग को, उसने क्या किया और अपने इनको क्या वो बातें बता रहा है इसके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकते ना हमें पता। बैंक द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है सर? हमने इन्होंने जैसे बताया खाता उसी टाइम फ्रीज कर दिया आगे के लिए, और हमने अपनी साइबर सेल में और ऊपर जो है इनकी कंप्लेंट को भेज दिया है। ठीक है, क्या नाम है सर? सतबीर सिंह। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।